6 बारी SIT मुझसे पूछताछ कर चुकी है। VIP प्रोटोकॉल के थ्रू अभी तक देखा जा रहा है, पूछताछ भी उनकी मर्जी उनके हिसाब से। इनडायरेक्ट उनको बचाया जा रहा था, वो खुल के साथ खड़े हुए हैं उनके। तो देखिए सर, कहीं ना कहीं SIT पे भी काफी प्रेशर है, और उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्या रीजन है? इन सीधे इल्जामा राही महिला कोच ने वार किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ते। मंत्री संदीप सिंह नूं बचाउण दे इल्जाम लारी इस महिला ने 5 महीने पहला मंत्री संदीप सिंह ते छेड़छाड़ दे इल्जाम लाए सन, पर 5 महीने पहला लाए इल्जामा ते हफ्ता पहला FIR दर्ज हुई है, पर मंत्री दी गिरफ्तारी अजे भी नहीं हुई। माननीय CM सर हैं, वो खुल के सामने आए हैं, अभी तक इनडायरेक्ट उनको बचाया जा रहा था, वो खुल के साथ खड़े हुए हैं उनके। तो देखिए सर, कहीं ना कहीं SIT पे भी काफी प्रेशर है, और गवर्नमेंट पूरे तरीके से लगी पड़ी है उसको बचाने के लिए, उसके पक्ष में आए से ये काम चल रहा है उस हिसाब से। तो देखिए साफ तौर पर लग रहा है कि SIT पे काफी प्रेशर बनाया गया है, और डेफिनेटली हरियाणा सरकार का प्रेशर है। अदरवाइज जो नॉन अवेलेबल धाराएं हैं उन पे, जो इतनी धाराएं हैं उनके हिसाब से इनको तुरंत FIR लॉन्च होने के बाद इनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो इतने दिन जा चुके हैं, आज देखिए 7 तारीख हो चुके, तो क्यों नहीं इसको गिरफ्तार किया गया है? महिला कोच चंडीगढ़ पुलिस दी हुन तक दी कार्रवाई तो संतुष्ट नहीं है। महिला तो हुन तक 6 दफा सवाल हो चुके ने, पर SIT ते मंत्री नू VIP ट्रीटमेंट देन दे इल्जाम ने। वैसे इन इल्जामा नू चंडीगढ़ पुलिस ने 4 जनवरी नकारिया सी, पर सवाल अजे भी बरकरार ने कि जेकर कोई पक्षपात नहीं तो फिर की मंत्री दी गिरफ्तारी नहीं बनदी? कोई VIP ट्रीटमेंट किसी को नहीं है जी, नहीं जी, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं है। मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मेरा पेशेंस अंदर से, मैं खुद से सवाल कर रही हूँ कि ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ अभी तक, और इसके घर पे जाके चंडीगढ़ पुलिस है जो है वो स्टेटमेंट ले रही है, जो भी इंक्वायरी का पार्ट बना रही है, और मेरे को बार बार थाने जाना पड़ रहा है, मेरे घर आया जा रहा है। तो सर अभी तक की जो कार्रवाई है, इससे कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी मेरा पेशेंस जवाब दे चुका है, और सवाल खड़े हो चुके हैं कि अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है ये इंसान, पूरे तरीके से लगी पड़ी है उसको बचाने के लिए, उसके पक्ष में आए। तो सर इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे भी अब दिक्कत है, मुझे भी इन चीजों में ये है कि मैं अपने सारे एविडेंस इतना सब कर चुकी हूँ, लेकिन उनको तो बस वही VIP प्रोटोकॉल के थ्रू अभी तक देखा जा रहा है, पूछताछ भी उनकी मर्जी उनके हिसाब से। 29 दिसंबर नो पहली बार महिला कोच मीडिया दे सामने आई अते मंत्री ते इल्जाम लाए। उसी दिन मंत्री ने भी कुछ ही देर बाद महिला दे इल्जामा ते पलटवार कर दिता सी। 1 जनवरी नो मंत्री ने खेड मंत्रालय दा चार्ज भी त्याग दिता। कब से FIR करवा रखी है, उसको तुरंत गिरफ्तार करें, क्योंकि जितना ज्यादा चंडीगढ़ और SIT पुलिस इसको डिले करवा रही है, कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर बन रहा है मेरे एविडेंस के लिए, और मेरे जस्टिस के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग खड़ी हो रही है। और ये मेरा खुद का भी सवाल है कि इतना टाइम जा चुका है, अगर एक नॉर्मल कोई भी इंसान होता तो उसको तुरंत उठाया जाता, तो मंत्री को इतना VIP ट्रीटमेंट क्यों है, क्यों इससे इस्तीफा नहीं ले रही है सरकार? ऐसे इंसान को तो इस्तीफा छीनना चाहिए और तुरंत जेल के अंदर डालना चाहिए। सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को खराब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है, और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ, और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। संदीप सिंह अपना पक्ष पेश कर चुके ने, ते महिला कोच अपना हाल दस चुके ने, कानूनी चाराजोई भी चल रही है, पर हुन मांग संदीप सिंह दी बर्खास्तगी अते गिरफ्तारी तैयार रुकी है, क्योंकि महिला दी हमायत दे विच संदीप दे सियासी विरोधी भी आ गए ने, ते खाप पंचायत भी। गवर्नर नु मांग पत्र सौंपिया सी INLD ने, अते मांग कीती सी कि गिरफ्तारी होवे, नहीं तां 15 दिन बाद संघर्ष होवेगा। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 354, 354A, 354B, 342 ਅਤੇ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। SIT ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਤੋਂ 6 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ SIT ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ। ना तो संदीप सिंह को कोई अरेस्ट किया गया, और ना ही मुझे लगता उनको कोई नोटिस दिया गया, और उनको यहाँ तक कि ये भी चीजें समझ सुनने में आ रही हैं कि संदीप सिंह को फरार भी करा दिया गया, वो तो घर पे ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस पर
ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि ये हरियाणा सरकार के और मुख्यमंत्री हरियाणा के दबाव में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। सरकार का जो दबाव है और जो चंडीगढ़ पुलिस जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश के अंदर दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई और ऐसी पीड़िता हो तो वो हिम्मत ना करे आने की, तो उसके साथ भी ऐसी टॉर्चर होगा। इनकी जो स्टेटमेंट है और जो इनके बयान है और जो इनकी कंप्लेंट है, FIR है, उसके अंदर 376 एड विद 511 ये भी धारा अट्रैक्ट हो रही है। तो मैं समझता हूँ पुलिस को बिना किसी देरी के, क्योंकि सारे तथ्य पुलिस के पास हैं, उनको ये धाराएं भी इसके अंदर ऐड करनी चाहिए, अन्यथा हम अदालत की शरण अवश्य रूप से लेंगे। ये मामला 1 जुलाई 2022 है। मेला मुताबिक उसने हरियाणा पुलिस अपने डिपार्टमेंट सने हरियाणा के मुख्यमंत्री तक भी शिकायत पहुंचाने की कोशिश की थी, पर किसी ने उसकी सार ना ली। हुन सवाल तो यह भी है कि हरियाणा सरकार ने जेकर जुलाई 2022 ची कोई एक्शन ले लिया हुंदा तो हरियाणा सरकार की हुन इन्नी फजीहत ना हुंदी।